यार किसी ने मेरा क्या ही बिगाड़ा है, बोलो ना ही मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है ना ही। उसके बाद रिप्लाई नहीं दिए कि भाई क्यों डीले है, किस लिए डीले है। अगर आपने हमको फ्यू वीक्स का डीले का एक स्टेटमेंट दिया तो आप अभी भी एक और स्टेटमेंट। प्रमोशन क्या, इवेंट्स का प्रमोशन, जो फ्री फायर में इवेंट आ रही है उसका प्रमोशन नहीं होगा, निकालना है निकाल दो। तो टीएसजी ऋतिक ने स्काई लॉर्ड के बारे में कुछ बात बताया है जो 90% बंदों को नहीं पता, वही मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी फ्री फायर इंडिया को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और इसमें टीएसजी ऋतिक को पार्टनर प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। तो ऋतिक भाई का सबसे अच्छा दोस्त टीएसजी लेजेंड ने यही बात किया है, तो चलो आइए मैं उसका छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखा देता हूं। हमको थोड़ा बहुत रिप्लाई मिलता था, अब हमको इग्नोर करा जा रहा था भाई, ऑब्वियसली बात है हम कोई चूती है नहीं, तो हमने भी उठा दिया भाई अब आवाज। अब जिसको करना हो सपोर्ट करो भाई, जिसको नहीं करना है, जिसको रियलिटी नहीं पता, जिसको नहीं पता कि भाई किस वजह से ऋतिक को, ऋतिक ने खुद लीव किया पहली बार, ऋतिक ने बोल दिया भाई नहीं होगा प्रमोशन, निकालना है निकाल दो। प्रमोशन क्या, इवेंट्स का प्रमोशन, जो फ्री फायर में इवेंट आ रही है उसका प्रमोशन नहीं होगा, निकालना है निकाल दो। तो बस उन्होंने मैसेज किया, इसने सीन पे छोड़ दिया, अगले दिन उसको निकाल दिया। दो दिन बाद की बात है जब वीडियो डली थी, तो तुमको उसको बैटिंग ऐप की वजह से हुआ था प्रमोशन, इसीलिए इसने चालू कर दिया। किसने बोला है तुमको? और ये बैटिंग वाला ना, ये इसी महीने में रूल आया गया, इस महीने में भी नहीं, मिड मंथ में 8 या 9 तारीख को ऐसा कुछ रूल आया था कि नहीं। तो कल देसी केमल लाइव कर रहे थे तो कुछ बंदे बोल रहे थे कि हम तुम्हें 5 साल से सपोर्ट कर रहे हैं और टीएसजी ऋतिक को सपोर्ट करने की बारी आई तो तुम इग्नोर कर रहे हो। तो अमित भाई ने क्या रिप्लाई दिया, तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई 5-6 बार एक ही चीज बोल दिए, इग्नोर क्यों कर रहे हो, 5 साल से देख रहा हूँ, आप करोगे नहीं सोचोगे थे, आप ऐसा करोगे नहीं सोचा था भाई यार, तुमने 5 साल से दिख तो रहे हो, पर तुमने मुझे 5 साल से, अगर तुम मुझे अगर 5 साल से देख रहे हो तो यू नो ना हाई हाउ आई एम, यू शुड ट्रस्ट मी ना। सामने बंदा है विराज, अरे यार यू शुड ट्रस्ट मी ना, पहले लोग हमें रात में क्या, यू शुड ट्रस्ट मी ना, अगर तुम मुझे 5 साल से देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कैसा हूँ, सिंपल बात है। तुमने 5 साल में मुझे ट्रस्ट ही नहीं किया, जब पहले मैं चीजों को कंज्यूम करता हूँ कुछ बोलने से पहले, मैं ऐसे नहीं कि तुम लोग कुछ पूछोगे और मैं ऐसे मुंह उठा के आंसर कर दूंगा अपने मन में जो है वो, पहले दोनों पक्ष कम सुनते हैं, निचोड़ते हैं एंड उसके बाद मैं कुछ सोच समझ के बोलूंगा, वरना फोकट में मैं किसी के साथ बुरा होना चाहता ही नहीं, सिंपल। और क्यों भी होना यार, किसी ने मेरा क्या ही बिगाड़ा है, बोलो ना ही मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है, ना ही किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा है। तो देसी के मैं लाइफ में और कुछ बोला है तो चलो दिखा देता हूँ। मैं क्या बचाऊ अंदर उधर से, दोनों भाई देखो बंदा, जिस बंदे ने 400 रुपए का सुपर चैट था उसके लिए आंसर है, ठीक है, सबको करियर सेट करना है। मैं भी चाहता हूँ गेम वापस आए, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ फ्री फायर इंडिया वापस आए, ई स्पोर्ट्स वापस आए। आप लोगों ने अगर मेरा व्लॉग देखा है तो मैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के स्टेज से, जहाँ पर फ्री फायर वर्ल्ड कप हो रहा था उस स्टेज से मैंने यही चीज डिमांड किया है कि आई विश फ्री फायर इंडिया काफी जल्दी वापस आ जाए, फ्री फायर का ई स्पोर्ट्स मुझे भी देखना है। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने करियर सेट कर लिया था, हमने कुछ नहीं किया भाई, हमने भी स्पोर्ट्स के लिए स्टार्टिंग में कितना लोगों का हेल्प किया है, आप देख सकते, मैं बस जताना था नहीं, मैंने कितना कुछ किया है, मैं जताता नहीं, मैं भी चाहता हूँ फ्री फायर इंडिया वापस आ जाए, बट मैं किसी के कहने पे ऊपर नहीं आता, सिंपल सी बात है, जब मेरे को लगता है कुछ चीज़ बोलने का सही टाइम है बोल देता हूँ। ये चीज़ें भाई वीडियो बनाओ डालो यार, ई स्पोर्ट्स यार गेमिंग गरेना, फ्री फायर इज़ वेरी बिग कंपनी यार, बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कोई कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, इनको भी पता है कि क्या हमको करना सही है, वो लोग कर रहे हैं अंदर ही अंदर। हाँ कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लास्ट ईयर सितंबर कितने तारीख का डेट दिया था ना, डेट देने के बाद क्या हुआ पता है ना, गेम फिर से दोबारा चला गया। इन्होंने डेट दिया था, परफेक्ट एग्जैक्ट डेट दिया था गेम कब लॉन्च हो रहा है प्ले स्टोर में, आप लोगों को प्री रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किया था, मैं गया था शूट पे, ऋतिक गया था शूट पे, नयन गया था शूट पे, जस गया था, और भी कौन था, अरे फौजी अजय गया था, बहुत सारे लोग गए थे ना वहाँ पर, सुनील छेत्री वाले शूट पे, फ्री फायर इंडिया का शूट था वो, ऑफिशियल शूट था, हालांकि वो बहुत लेट तुम लोगों को पता चला क्योंकि वो चीज़ें प्राइवेटली होती है। तो अंदर अंदर काम हो रहा था, फिर क्या हो गया, क्या अब गवर्नमेंट के साथ क्या होता है वो हमको पता नहीं चलता, गेम के साथ क्या होता है वो हमको पता चलता है, उसके बाद वो अटक गया। अब वो अब मेरे हाथ में होता तो मैं रुकता क्या, मैं खींच के लेके आ जाओ यार, मुझे ये बता दो, मैं भी चाहता हूँ ना कि गेम आ जाए, करियर मेरा सेट वन है, हमने भी मेहनत किया है, तुम भी मेहनत करो, क्या पता अब आ गया तो यार सब लोग करेंगे। और इतना मेरे को इतना पता है, मेरे को अंदर ही अंदर काम हो रहा है, अब इससे ज़्यादा कब डेट होगा ये होगा भाई यार, कोई दुकान तो नहीं है कि यार ये करेंगे वो करेंगे। चलो भाई ये गेम इन्वेस्टिगेशन कर, डिलीट और मैं कर दिया मैंने, मजा आएगा इनके साथ।
तो जब आएगा आ जाएगा, टेंशन मत लो। मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा खींच के लेके आता, नहीं होता ना सब कुछ जैसे बोल रहे हैं। भाई बिग शाउट आउट भाई, थैंक यू सो मच यार, जो भी बंदे यार चैट में इतने बंदे सपोर्ट कर रहे हैं, इस बार मैं बहुत ही खुश हूं। ये सब अंदर की बात बताते थे, भले कितने भी लोग आए, लोग आ चुके हैं स्ट्रीम पे एंड हमें कुछ बातें करनी है। आज हमने कुछ चीजें स्टार्ट करी थी पांच दिन पहले, पांच दिन हो गए उस चीज को, एंड हमने स्टार्ट करी थी बहुत चीजें रखी थी स्टार्ट में, बट अब हम सिर्फ एक आंसर मांग रहे हैं उनसे, जो कि वो भी हमें नहीं मिल रहा है, अभी तक आंसर नहीं मिल रहा है। इससे पता चलता है कि आप कौन से गेम पे अपना टाइम डाल रहे हो और गेम वाले आप लोगों के लिए कितना सोचते हैं। हमें पता चलता है इससे कि आपके एक स्मॉल क्वेश्चन का ये लोग आंसर देने में कितना समय लगाते हैं एंड कितना उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। इससे ये पता चलता है हमें कि भाई गेम वाले कितना इंटरेस्टेड है। जैक एफएफ भाई बिग शाउट आउट भाई, थैंक यू सो मच यार, जो भी बंदे यार चैट में इतने बंदे सपोर्ट कर रहे हैं एंड इस बार मैं बहुत ही खुश हूँ कि भले कितने भी लोग आए, अपने जो ऑडियंस थी पूरी की पूरी इस बार टिकी रही अपने साथ एंड उन लोग इधर उधर डाइवर्ट नहीं हुए, तो यार थैंक यू सो मच। यही मेरे को मेन मोटिवेट कर रहा है एवरी डे इसमें फाइट करने के लिए कि भाई इस बार आप लोग ने मुझे पूरा सपोर्ट जितना मैं मांग रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हो। तो बाकी गाइस आंसर तो ये लोग ने अभी तक दिया नहीं है हमें, एक आंसर के लिए पता नहीं हमारे इतने सारे यूज़र्स को ये लोग कैसे दुखी कर सकते हैं। गाइस अभी क्या चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग एटलीस्ट पाँच दिन हो गए आज हम लोग फ्री फायर वालों से एक आंसर मांग रहे हैं, जिसके लिए हमने उनको पूछा है भाई कि गेम कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा, या फिर जब भी आएगा भाई हमें एक अच्छा सा स्टेटमेंट दे दो कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, क्यों डिले हो रहा है, ठीक है। बट ये लोग हमें बताने के लिए रेडी नहीं है एंड हम लोग ऑलरेडी 8-10 महीने हो गए, अभी 10 महीने अक्टूबर, एक महीने में एक साल हो जाएगा फ्री फायर इंडिया अनाउंस होके, ठीक है, एक साल हो जाएगा फ्री फायर इंडिया अनाउंस होके एंड अभी तक फ्री फायर इंडिया का कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने बोला था फ्यू वीक्स डिले होगा, आपका स्टेटमेंट था हम लोग शांत रहे, जब इन्होंने गाइस पहले स्टेटमेंट दिया कि भाई थोड़े वीक्स के लिए डिले है तो लोगों को भी लगा हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम होगी वीक्स के लिए डिले, बट वीक्स नहीं मंथ्स हो गए गाइस, ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए एंड गेम अभी तक डिले है एंड ये लोग हमें एक भी वापस उसके बाद रिप्लाई नहीं दिए कि भाई क्यों डिले है, किस लिए डिले है। अगर आपने हमको फ्यू वीक्स का डिले का एक स्टेटमेंट दिया तो आप अभी भी एक और स्टेटमेंट दे सकते हो, उसमें आप लोगों को इतना क्यों डर लग रहा है, आप लोगों को इतना परेशानी क्यों हो रही है, इतनी ये क्यों हो रही है कि हमें ऑडियंस के सामने झुकना नहीं है। भाई इनका मेन चीज़ यही है कि हम आज इनके सामने झुक जाएंगे तो कल भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये हमें सेम चीज़ करेंगे। अरे भाई ये तो यार हक है ना यार हमारा, इतना तो हक बनता है हमारा गेम के लिए कि भाई हम एक आंसर तो मांगेंगे ना गेम के लिए, अब वो भी ना मांगे इतना चुप रहे भाई तो तुम कैसे चल रहे हो भाई, कैसे चल रहे हो। ऑल्सो गाइस थोड़ी चीज़ें हो गई लास्ट कुछ दिनों में तो वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले जब मैंने ये वीडियो डाली थी फर्स्ट डे पे, तो इन सेकेंड डे पे ही इनका मुझे मैसेज आया था कि ऋतिक लेट्स डिस्कस एंड देन पता नहीं कुछ तो मेरे हिसाब से क्रिएटर्स लोगों ने इनका साथ दिया कि आप मांडवली मत करो, हम इसके अगेंस्ट बनाएंगे वीडियो एंड इसको चुप करवा देंगे। बट मेरा उस टाइम पे सही में बोलूँ ना, मेरे को थोड़ा लगा कि अब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लोग इसमें जुड़ेंगे एंड मैनिपुलेट करेंगे लोगों को एंड बहुत से कुछ भी सिली पॉइंट्स रखते हैं लोगों को एंड मेरे को क्रिएटर्स से लड़ने में मेरा टाइम चला जाएगा। मेरा मेन डर यही था कि अगर कोई क्रिएटर्स बीच में आया तो मेरा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा कि मैं उनको रिप्लाई देते बैठूंगा एंड ये लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। बट एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यहाँ पे आए कुछ क्रिएटर्स बीच में बट अपनी जो ऑडियंस इस बार सपोर्ट दिखा रही है या फिर दूसरे प्लेयर्स जो इस बार सपोर्ट दिखा रहे हैं वो लोग ही उनको रिप्लाई दे रहे हैं, तो मुझे उनसे क्रिएटर्स से लड़ने की कुछ ये ही नहीं पड़ रही है, नौबत ही नहीं आ रही है, वो खुद ही उसमें उलझ जा रहे, खुद ही अपने फैंस के लिए एक आइडल से ये हो रहे, खुद ही खुद का क्या बोलते उसको
अपना खुद का ये रेस्पेक्ट लोगों के मन में गिरा रहे क्रिएटर्स जो भी इस पे आए गए बीच में। अगर मैं स्काई लॉर्ड के साथ था जब मैं पार्टनर प्रोग्राम में था, ठीक है मैं भी बताता हूँ मेरा क्या सीन था। मैं पार्टनर प्रोग्राम में था तब मैं स्काई लॉर्ड क्यों मेरे को रोस्ट वगैरह नहीं करता था, मैं आपको बता दूँ इसका भी रीज़न। क्योंकि गाइस उस टाइम मैं इतना डरता नहीं था यार फ्री फायर वालों से। आजकल क्या है, फ्री फायर वालों ने ना क्रिएटर्स के मन में एक डर बिठा रखा है कि अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें आगे प्रमोट नहीं करेंगे, तुम्हें दबा देंगे, ऐसा सब सीन है इस बार। अभी पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले क्रिएटर्स की चलती थी वहाँ पे। एंड मैं तो भाई मुंह पे उनके बोल देता था भाई कि अगर कुछ दिक्कत है तो भाई मुंह पे बोलो, मैं निकल जाऊँगा। मेरे को पहले से ही मेरा ऐसा था, मेरे को कभी पार्टनर प्रोग्राम से ऐसा नहीं था कि भाई मैं अगर कुछ अगेंस्ट में बोलूँगा तो मुझे वैसा वगैरह। इस बार मैंने थोड़ा कुछ एक्सट्रीम स्टेप लिया है बट मेरे को ऐसा नहीं था। तो मैं भी स्काई को बिंदास बिंदास बताता था, जो भी चीज़ें होती थी बिंदास बोल देता था।